नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। और अभी हम लोग रात के 10:45 हो चुके हैं। हम लोग बिलासपुर से कम 25 किलोमीटर दूर यहाँ केशव वैष्णव जी के यहाँ रेस्क्यू करने के लिए आए हुए हैं, सरसैनी में। और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि इनके यहाँ कोई सिलबट्टा है जिसमें मसाला पीसते, उसके पीछे कोई सांप बैठा हुआ है, जिसके डर से माँ अभी तक इतना लेट नाइट हो गया बट खाना नहीं बना पाई है। हंदाई पहना भरा है। हाँ, तो ये डर का माहौल है, तो चलिए हम लोग रेस्क्यू करते हैं और उनको इस डर से, ये इनको भयमुक्त करते हैं इस चीज़ से। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसी से बट्टे पीछे बोल रहा है। हाँ, ये ठीक बोल रहे हैं। ये स्पेक्टिकल कोबरा है यहाँ पर एक। और देखिए ये लोकेशन है, यहीं पर ये खाना बना रही हैं, यहीं पर ये खाना बना रही थी। और देखिए उनके कितने नियरेस्ट ये सिलबट्टा रखा हुआ था, और थोड़ी सी भी चूक होती तो हादसे का एक कारण बन जाता। तो चलिए पहले हम लोग रेस्क्यू निपटाते हैं, फिर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये सांप रेस्क्यू हो चुका है, ये स्पेक्टिकल कोबरा है। और यहाँ लोकल में इसको गौहा डोमी और डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है। बट अगर आप इसको अगर गूगल में कभी सर्च करना चाहेंगे तो लोकल नाम से कभी नहीं मिलेगा। ये सांप हाईली वेनमस है, इसका वेनम जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है। और जिस तरीके से ये सिचुएशन था, अगर बाइट होता तो हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ अगर किसी को सांप काटता तो कहाँ जाते हैं आप लोग? चलिए, ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि जो हम लोगों का मोटिव था कि हम लोग सुनना चाहते थे कि लोग हॉस्पिटल जाते, लेकिन आज भी लोग बाबा बैगा के पास ज़रूर जाते हैं कि उनको ये लगता है कि बाबा बैगा जान बचा लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप लोगों को बाइट होता है प्लीज़ आप लोग हॉस्पिटल जाइए, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किसी रेप्टाइल की हेल्प करते हुए, किसी इंसान की जान बचाते हुए। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।
भाई भाई लाइट दिखाई रख जहाँ पे भाई हो कत चल रही है नीचे।